हेलो दोस्तों, आरके मिक्स एंटरटेनमेंट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि महावीर जयंती क्यों मनाई जाती है, इसे कैसे मनाया जाता है और इसको मनाए जाने का महत्व क्या है। ये सारी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में दूंगा दोस्तों। मगर आगे बढ़ने से पहले, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, देश में महावीर जयंती कई राज्यों में उत्सव की तरह मनाई जाती है। यही नहीं, इस दिन कई राज्यों में शोभ यात्रा निकाली जाती है, जिसमें हजारों की तादाद में लोग हिस्सा लेते हैं। जैन धर्म का सबसे प्रमुख पर्व महावीर जयंती धूमधाम से मनाया जाता है। महावीर जयंती का पर्व स्वामी महावीर के जन्मदिन चैत्र शुक्ल त्रयोदशी में मनाया जाता है। ऐसे में इस बार महावीर जयंती 2 अप्रैल को है, जो कि सोमवार की है। स्वामी महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे, इसलिए उनके जन्मदिन पर यह पर्व मनाया जाता है। इस पर्व को लोग एक उत्सव की तरह मनाते हैं। जैन धर्म की मान्यताओं के अनुसार स्वामी महावीर का जन्म बिहार के कुंडलपुर के राज परिवार में हुआ था। भगवान महावीर को बचपन में वर्धमान नाम से पुकारा जाता था। महावीर 30 साल के थे जब उन्होंने घर छोड़ दिया था और दीक्षा लेने चले गए थे। दीक्षा लेने के बाद महावीर 12 साल तक तपस्या करते रहे। कहा जाता है कि भगवान महावीर के दर्शन के लिए भक्तों को उनके सिद्धांतों का पालन करना जरूरी होता था। महावीर स्वामी का सबसे बड़ा सिद्धांत अहिंसा है। यही नहीं, उनके हर भक्तों को अहिंसा के साथ सत्य, अरोच्य, ब्रह्मचार्य और अपरिग्रह के 5 व्रतों का पालन करना आवश्यक होता है। दोस्तों, बेहद कम उम्र में घर त्याग करने वाले स्वामी महावीर अपने सिद्धांत के बेहद पक्के थे। कहा जाता है कि स्वामी महावीर का अपने सिद्धांत में समर्पण का भाव सबसे अहम था। उनका मानना था कि किसी से मांग कर, प्रार्थना करके या हाथ जोड़कर धर्म हासिल नहीं किया जा सकता। स्वामी महावीर मानते थे कि धर्म कोई वस्तु नहीं जो मांगने से मिलेगी, इसे खुद धारण करना होता है। धर्म जीतने से मिलता है, जिसके लिए संघर्ष बेहद जरूरी है। स्वामी महावीर भक्ति में नहीं, ज्ञान और कर्म में भरोसा रखते थे। स्वामी महावीर के अनुयायी ऐसा मानते थे कि आत्मा की दुष्प्रभावों को अलग निकाल दे तो किसी को जीतने में अधिक कठिनाई नहीं आएगी। सबसे पहले खुद को महान बनाए, जिसके लिए अंतर्मन के दुष्प्रभावों से जीतना बहुत जरूरी है। भारत में कई राज्यों में जैन धर्म को मानने वाले लोग हैं, लेकिन राजस्थान और गुजरात में इसकी तादाद सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। इसलिए इन राज्यों में इस पर्व को महापर्व की तरह मनाया जाता है। इस दिन जैन मंदिरों में महावीर की मूर्तियों का अभिषेक किया जाता है, जिसके बाद मूर्ति को रथ में बैठाकर शोभा यात्रा निकाली जाती है। इस शोभा यात्रा में जैन धर्म के अनुयायी हिस्सा लेते हैं। जगह जगह पंडाल लगाए जाते हैं, जिसके तहत जरूरतमंदों और गरीब लोगों की मदद की जाती है। दोस्तों, इस दिन कई जगहों पर मांस और शराब की दुकानें भी बंद रहती हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैंने आपको इस वीडियो में महावीर जयंती से रिलेटेड सारी जानकारी दे दी होगी। और फिर भी यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने सारे फ्रेंड्स रिलेटिव सब जगह इसे शेयर करें, ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। और यदि आपका कोई क्वेश्चन है या मैं किस टॉपिक में मुझे और वीडियो बनानी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट का आंसर ज़रूर दूंगा। और इसी के साथ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।